हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 28 एपिसोड 27 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंदुओ ये सुनकर शॉक हो जाती है कि चैंगमी ने रिजाइन कर दिया, तो टीचर सन उसे बताती हैं कि चैंगमी को बॉस लियो ने रस्टिगेट कर दिया है क्योंकि वो गुनहगार है, उसने तुम्हारी फाइल्स डिलीट की थी और सारा ब्लेम तुम्हें दे दिया। तो यंदो इस बात को मानने से एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो चैंगमी अपना सामान पैक करके जा ही रही होती है कि तभी यंदो आ जाती है और कहती है, तुम क्यों जा रही हो? जो भी टीचर सर ने मुझे बताया कि तुमने क्या किया, आई डोंट थिंक कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो चैंगमी कहती है, हाँ ये सब मैंने ही किया है क्योंकि तुम्हारी सक्सेस की वजह से हमेशा मैं पीछे रह जाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकलवाना चाहती थी। तो यंदुओ शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे इस पर बिलीव नहीं है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तो चैंगमी कहती है, सारे इंटर्न में से बॉस लियू बस तुम्हें ही ऑफिशियल रिपोर्टर बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी फाइल्स ही लीक नहीं की, इनफैक्ट सारा ब्लेम तुम्हें दे दिया और तुम्हें इस कंपनी से निकलवाने की कोशिश की। तो यंदो इमोशनल हो जाती है। तो चैंगमी कहती है, तुम इनोसेंट और फूल बनती हो, लेकिन तुमने भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया है। तो यंदो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो चैंगमी कहती है, तुम्हें सब पता था कि मैं लिंजी को लाइक करती हूँ, लेकिन तुम फिर भी उसके क्लोज गई। मेरे सामने तुम स्वीट और काइंड बनने का दिखावा करती हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा ये सस्पिशियस एटीट्यूड किसी को पता नहीं है। तो यंदो कहती है, तो तुमने ये सब लिंजी के लिए किया? तुम मुझे एक बार बता तो देती, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती। तो चैंगमी कहती है, हम अब फ्रेंड्स नहीं है, मुझे तुम्हारी जैसी फ्रेंड नहीं चाहिए, और चली जाती है। तो यंदो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोकर काफी हर्ट होती है और एक पास्ट में चली जाती है जिसमें चैंगमी और यंदो एक ही स्कूल में थे। तो उस टाइम वो लोग एक ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। वेल, एक गर्ल चैंगमी के प्रोजेक्ट पर कोई क्वेश्चन कर रही थी, तो यंदो ने उस गर्ल को स्टॉप कराया था और फिर वो गर्ल यंदो के क्वेश्चन पर सवाल करने लगी। तो चैंगमी ने यंदो के लिए उस ग्रुप को छोड़ दिया और यंदो के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो उस टाइम चैंगमी ने यंदो के लिए स्टैंड लिया था और कहा था कि अगर मेरे सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड को कोई कुछ भी कहेगा तो वो चुप नहीं रहेगी। तो इस पास्ट को याद करके यंदो काफी रोती है। इधर चैंगमी भी यंदो के साथ अपनी फ्रेंडशिप को याद करती है और वो भी काफी हर्ट होती है और रोती है। आगे यंदो सैड मूड में ही घर आती है तो अपने घर पर तैंग बाई भी आया होता है। तो यंदो तैंग बाई से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो? तो तैंगी बाई कहता है, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो कोच युआन ने ट्रेनिंग से ऑफ दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो यंदो कहती है, तो तुम अपने कैंपस में स्टडी क्यों नहीं कर रहे? तो तैंगी बाई कहता है, क्योंकि वहाँ चिरीफोंग है और उसकी होते हुए मुझे शांति नहीं मिलती, तो मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और यंदो के क्लोज आकर कहता है, यहाँ मैं थोड़ी मोटिवेशन लेने आया हूँ तुमसे। तो उसके पेरेंट्स उन दोनों को देखकर फिर से टीस करने लगते हैं, तो वो दोनों बेचारे शाही होकर वहाँ से चले जाते हैं। वेल, आगे वो लोग वॉक करने आते हैं तो यंदो तैंगी बाई से कहती है, क्या तुम हमारी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से भी हाइट रख सकते हो? तो तैंगी बाई कहता है, क्यों, वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे पेरेंट्स को तो ये जानने में कोई बुराई नहीं है, और मेरी मॉम ने तो पहले भी हमारे लिए एक ब्लाइंड डेट रखी थी। मैं तुम्हें ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं अपनी टीम से ये बात हाइड रखूंगा, लेकिन पेरेंट्स से नहीं। तो यंदो कहती है, नो, क्योंकि मैं एक रेंटर हूँ और अंकल आंटी के साथ तुम्हारी घर में रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा अगर उन्हें पता चला। तो तैंगी बाई कहता है, दैट्स राइट, तुम ठीक कह रही हो, मेरी मॉम का ब्रेन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, अगर उन्हें पता चला तो वो शायद हमारे लिए वेडिंग प्रपोजल भी रख सकती हैं। तो यंदो कहती है, नहीं। वेल, तैंगी बाई कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ डेट करने में कोई रिग्रेट तो नहीं है? तो यंदो कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, ऑफ कोर्स नॉट। तो तैंगी बाई कहता है, क्योंकि जब मैं घर आया तो तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं अनहैप्पी लग रही थी। तो यंदो कहती है, ऐसा नहीं है, आज मेरा मूड खराब था, घर आने से पहले मैं बहुत रोई थी। तो तैंगी बाई पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तो यंदो कहती है, क्या तुम्हें चैंगमी याद है? तो तैंगी बाई कहता है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, मुझे याद है। तो यंदो कहती है, अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही।
तो तेंगी बाई कहता है क्यों? तो यंदो कहती है आज मुझे ये रियलाइज्ड हुआ कि वो मुझसे काफी टाइम से हेट कर रही थी। मैं चेंगमी से कॉलेज टाइम में मिली थी, तब मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मैं अकेले ही ग्राउंड में बैठकर लंच किया करती थी, तो उसने मुझे कंपनी दी। इस सिटी में उसने मुझे अकेला फील नहीं होने दिया, वो मेरे लिए एक अच्छी इंसान बनी। उसकी वजह से मुझे ये सिटी मेरा होम टाउन लगने लगा। वो मेरी फ्रेंड ही नहीं, मेरी फैमिली भी बनी। हम सच में ग्रेट फ्रेंड्स थे। तो वो मुझसे हेट क्यों करने लगी? वो ऐसा कैसे बन गई? तो तेंगी भाई उसे कम्फर्ट कराता है और फिर बोफी यंदुओं को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि चिरीफोंग, ओ यंग और मैं, हम तीनों भी बेस्ट फ्रेंड थे। हमने भी हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड एक दिन मेरा इनिमी बन जाएगा। तो यंदुओं कहती है क्या सीरियसली? तो तेंगी भाई कहता है हाँ, ओ यंग वो सिर्फ मुझसे नफरत ही नहीं घृणा भी करता है। तो यंदुओं कहती है फिर तो तुम ओ यंग के सामने खुद को फेस नहीं कर पाती होगी। तो तेंगी भाई कहता है मैं उसे अवॉइड नहीं करता, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता, मैं उसके साथ रिकॉन्साइल करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ हमेशा सुलह करना चाहता हूँ। तो यंदुओं कहती है वो तुमसे नफरत करता है और तुम फिर भी उसके साथ रिकॉन्साइल करना चाहती हो। तो तेंगी भाई कहता है हाँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि एक दिन उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि वो मेरा ब्रदर है। तो यंदुओं कहती है तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंट हो। तो तेंगी भाई कहता है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये रिग्रेटनेस है। क्या तुम्हें चेंगमी को खोकर रिग्रेट है? तो यंदुओं कहती है हाँ। तो तेंगी भाई उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है तो फिर रिग्रेट मत करो, अपनी फ्रेंडशिप को बचाने का रास्ता ढूंढो। तो यंदुओं कहती है यू आर राइट और दोनों चले जाते हैं। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग यंदुओं सोकर उठती है तो उसे आंटी लू का एक मैसेज मिलता है कि आज वेदर अच्छा है तो मैं और तुम्हारे अंकल डेट पर जा रहे हैं, हमने अर भाई को भी अपने साथ ले लिया है, तो तुम और तेंगी भाई घर पर अकेले होगे, तो तुम उसे हैंडल कर लेना, शायद तुम्हारी रिलेशनशिप का एक लेवल लव में भी बदल जाए। तो यंदुओं बुरी तरह शॉक हो जाती है कि तभी तेंगी भाई आता है और वो उससे वो लेटर हाइड कर लेती है। तो तेंगी भाई को पता चल जाता है कि वो उसे कुछ हाइड कर रही है और तेंगी भाई उससे वो लेटर ले लेता है। तो तेंगी भाई भी उस लेटर को पढ़कर शाई होता है और कहता है मेरी मॉम को मुझे टॉर्चर करना पसंद है, पता नहीं वो ये सब क्यों करती हैं। तो यंदुओं तेंगी भाई से कहती है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो तेंगी भाई उसे रोक लेता है और कहता है वो देखो मेरी मॉम ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। तो तेंगी भाई ने उसका हाथ पकड़ा होता है तो वो शाई होती है। वेल, आगे दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और पागलों की तरह शाय भी होते रहते हैं। तो यंदुओं के माइंड में आंटी लू के बर्ड्स आते हैं और वो खुद को काम डाउन कराती है। इधर तेंगी भाई कहता है मेरी यंदुओं के साथ में ये फर्स्ट डेट है, क्या मुझे उससे वॉक पर चलने के लिए पूछना चाहिए या नहीं? और दोनों इतना शाय होते हैं कि वो दोनों बस शांत ही बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वेल, यंदुओं की ब्रेड खाते हुए उसके फेस पर लग जाती है तो तेंगी भाई हंसता है और साफ करता है। वेल, तेंगी भाई उसके क्लोज आ जाता है और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी उनकी डोरवेल बजती है और यंदुओं फिर डोर खोलने चली जाती है। तो गाइस, वहाँ तेंगी भाई के फ्रेंड्स आ जाते हैं तो यंदुओं उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और उन्हें अंदर ले आती है। तो तेंगी भाई उन्हें देखकर दुखी होता है जस्ट बिकॉज उनकी पूरी डेट खराब हो गई। तो यंदुओं उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है और चिरीफोंग यंदुओं से फूड की डिमांड करता रहता है। तो तेंगी भाई उससे चिढ़कर कहता है अगर तुमने यंदुओं से और डिमांड की ना तो तुम यहाँ से चले जाओ और उसका मुंह बंद कर देता है। तो चिरीफोंग कहता है छोड़ो मुझे और सॉरी कहता है उसे ऑर्डर देने के लिए। तो यंगयंग कहती है कि हाँ उसे अभी छोड़ दो, उसे ड्रीम कप जीतने के बाद मार देना, लेकिन तब तक उसे लाइव रहने दो। तो तेंगी भाई कहता है अगर यंगयंग नहीं कहती तो तुम आज मर जाते। तो चिरीफोंग उन सब पर चिढ़ता है और ये सीन काफी फनी होता है। तो लिंगी और मिंगतियान कहते हैं क्या यंदुओं तेंगी भाई के साथ इसी घर में रहती है? तो यंदुओं कहती है नहीं, मैं यहाँ रेंट पर रहती हूँ। तो चिरीफोंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन तुम दोनों की मैरिज हो जाएगी और तब तो तुम दोनों यहाँ साथ में ही रहोगे। और यंदुओं से कहता है मैंने ठीक कहा ना सिस्टर इन लॉ। तो यंदु उसे स्टॉप कराती है और कहती है मैं तेंगी भाई के साथ डेट नहीं कर रही। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं लेकिन तुम दोनों एक साथ काफी परफेक्ट लगते हो।
तो क्यों नहीं कर रही? तो तेंगी बाई कहता है, क्योंकि यंदुओ मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं उसे हैप्पी रखने के लिए ट्राई करता रहता हूँ और उसे डेटिंग के लिए कोर्ट करता रहता हूँ। इधर यंदुओ को तेंगी बाई के मुँह से ये सब सुनते हुए गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है और कहती है, चिरी फोंग के सामने तुम ये क्या क्या बोल रहे हो? तो तेंगी बाई कहता है, चिरी फोंग के साथ में ये मेरा फर्स्ट डे नहीं है, वो जस्ट मेरी मॉम की तरह है और उसे भी मुझे टॉर्चर करना पसंद है। उसके सामने सिर्फ वैसे ही बिहेव करो जैसे वो देखना चाहता है। और तभी चिरी फोंग आ जाता है और कहता है, ये क्यूट कपल यहाँ सीक्रेटली क्या बातें कर रहे हैं? तो तेंगी बाई कहता है, तुम उसे टीज कर रहे थे, यंदुओ मुझे यही बता रही थी। तो चिरी फोंग कहता है, यंदुओ मेरी बेस्ट बडी है तो मैं उसे टीज क्यों करूँगा, और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वेल आगे वो लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो यंदुओ चिरी फोंग से कहती है, तुम स्टडी में तेंगी बाई की हेल्प ले सकते हो। तो चिरी फोंग कहता है, तेंगी बाई ने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, तो तुम क्यों पूछ रही हो? तो यंदुओ कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी पहले इंग्लिश ट्यूटर भी रह चुकी हूँ, अगर तुम स्टडी ठीक से नहीं करोगे तो तुम मुझे एम्ब्रेस कर दोगे, चलो मैं तुम्हें टीच करती हूँ। तो चिरी फोंग कहता है, मैं लर्न नहीं करना चाहता, तुम मिंग तियान को टीच करो। तो यंदुओ कहती है, मिंग तियान स्मार्ट है, उसे टीचर की जरूरत नहीं है। तो चिरी फोंग बेचारा फंसने ही वाला होता है कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है, और उसे जिसकी कॉल आती है वो एक गर्ल होती है। तो यंग उस गर्ल से जेलिस होती है। वेल चिरी फोंग उस गर्ल से कहता है, मैं तेंगी बाई की घर स्टडी करने आया हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो यंग और जेलिस होती है। तो आगे सभी लोग डिनर पर आते हैं और चिरी फोंग उस गर्ल से मीटअप करता है। तो ये गर्ल उसकी पहले वाली फैन ही होती है, जियर, और यहाँ पे यंग की जेलिसी कंटिन्यू रहती है। तो गाइस, उस रेस्टोरेंट की एक बैट्रेस आकर उनसे कहती है, हमारे रेस्टोरेंट में एक ऑफर चल रहा है, अगर कोई कपल एक किसिंग सीन फोटो क्लिक करवाता है तो उसे हम फ्री डिश ऑफ मीट देंगे। तो वो वेट्रेस उनसे कहती है, क्या आप में से कोई कपल है? और वो यंदू और तेंगी बाई को देखकर कहती है, क्या आप दोनों कपल हैं? तो तेंगी बाई कहता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी। तो वो वेट्रेस चली जाती है। इधर जीआर को सर्व करते टाइम चोट लग जाती है, तो चिरी फोंग उसकी केयर करता है और उसे कम्फर्ट कराता है। तो ये सब देख कर यंग और जेलिस होती है और उठकर रेस्टरूम चली जाती है। तो चिरी फोंग भी तभी उसके पीछे चला जाता है। तो वहाँ यंग खुद को काम डाउन करा ही रही होती है कि वहाँ कुछ और गर्ल्स आकर चिरी फोंग और जियर के बारे में गॉसिप्स करने लगती हैं कि जो गर्ल चिरी फोंग के साथ में उस टेबल पर बैठी थी, लगता है वो काफी क्लोज है चिरी फोंग के। तो यंग का दिमाग फिर खराब होने लगता है और वो खुद को काम डाउन करा के वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे चिरी फोंग वहाँ मिल जाता है और उससे कहता है, जब हम सब डिनर कर रहे थे तो तुम्हारा बिहेव कुछ वियर्ड लग रहा था। तो यंग कहती है, क्या मैं वियर्ड हूँ या तुम? तो चिरी फोंग कहता है, क्या मैं वियर्ड हूँ? तो यंग कहती है, जब तक तुम जियर के साथ रहोगे तुम्हारा बिहेव चेंज लगता है। क्या तुम उसके साथ यहाँ डेट पर आए हो? सच बताओ मुझे, क्या तुम जियर को लाइक करते हो? तो यंग सोचती है, ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे उसके मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। और इधर चिरी फोंग भी सोचता है कि मैं क्या रेस्पोंड करूं, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गलत आंसर नहीं दे सकता। और काफी सोचने के बाद कहता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ, क्या मैं उसे लाइक नहीं कर सकता? तो यंग कहती है, ऑफ कोर्स, जियर सच में एक अच्छी लड़की है। तो यंग अंदर से जेलिस होती है और बाहर से स्माइल करती है। तो चिरी फोंग सोचता है, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और तुम फिर भी स्माइल कर रही हो, तुम्हें सच में मेरी कोई केयर नहीं है। और उससे पूछता है, क्या तुम उसे मेरे लिए डेटिंग के लिए फोर्स कर सकती हो, इफ यू डोंट माइंड? तो यंग जेलिसी के साथ कहती है, मैं बुरा क्यों मानूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चिरी फोंग कहता है, ओके, फिर डील है। तो यंग कहती है, मुझे तुम्हारी डील एक्सेप्ट है। वेल, आगे सभी वापस जा रहे होते हैं तो तेंगी बाई और यंदुओ एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें चेंगमी मिल जाती है और वो उन्हें देखकर वापस जाने लगती है कि तभी तेंगी बाई उसे रोक लेता है और ये एपिसोड ही एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।